वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे OCI कार्ड के बारे में। OCI कार्ड की डिटेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। OCI कार्ड क्या है, किस तरह से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और OCI कार्ड क्या बेनिफिट आपको देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं OCI कार्ड की। तो भारत के विदेशी नागरिक का कार्ड रखने वाले भारतीय मूल या भारतीय समुदाय के लोगों को अब भारत जाने के लिए अपने पुराने पासपोर्ट साथ रखने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय दूतावास के केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना का जिक्र करते हुए सोमवार को बताया गया था कि OCI कार्ड के साथ पुराने पासपोर्ट रखने की अब अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस घोषणा के ने विदेशों में रह रहे भारतीयों की एक बड़ी चिंता को दूर किया गया है। दूतावास ने कहा है कि अब से पुरानी पासपोर्ट संख्या वाले मौजूदा OCI कार्ड के सहारे यात्रा करने वाले OCI कार्ड धारक को पुराना पासपोर्ट साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नया पासपोर्ट साथ रखना अनिवार्य होगा। दूतावास ने बताया कि भारत सरकार ने 20 साल से कम और 50 साल से अधिक आयु वाले कार्ड धारकों के लिए OCI कार्ड पुनः जारी करने की समय सीमा और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 करने का फैसला लिया गया। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं OCI कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है ocservices.gov.in। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ocservices.gov.in। दोस्तों, इस वेबसाइट पर हम लोग न्यू OCI रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। OCI रजिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइंस है इसको दे सकते हैं। इसमें आप लोग OCI डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और री अपलोड करना, OCI इमेज अपलोड करना, करना स्टेटस इंक्वायरी और रीप्रिंटेड एप्लीकेशन सबमिशन आप यहां पर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल ऑनलाइन OCI सर्विसेज पर आपको जाना होगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन OCI सर्विसेज। और इसमें अलग अलग आपको यहां पर डिटेल्स मिल जाएगी और सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि OCI क्या है। OCI एक फॉरेन नेशनल और हु हैज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एट एनी टाइम बिफोर 26 जनवरी 1950 या Who has eligible to become a citizen of India on 26 January 1950। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं OCI benefits के, तो multiple entry, multiple purpose, lifelong visa to visit India। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर benefits की बात करते हैं तो multiple entry, multiple purpose, lifelong visa to visit India। Second, exemption from reporting to police authorization for any length of stay in India and partiality with NRI in financial, economics and educational fields except in the acquisition of agriculture and plantation property। तो दोस्तों, आपको OCI रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपके जो मैंने बताया आपको डिटेल्स, अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन OCI कैन बी मेड ऑनलाइन या बिफोर फिलिंग द अप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन मे बी पर यूज सो दैट देर इज अ नो मिस्टेक इन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन। फर्दर द डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग फी and officials where the applications have to fill may be also per use। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टू अप्लाई फॉर OCI रजिस्ट्रेशन प्लीज़ क्लिक हेयर, आपको क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले चेक योर एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है कि नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि चेक योर एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं है। सेकेंड, आपको चेक करना होगा इफ़ यू ऑलरेडी ऑन OCI कार्ड होल्डर तो काइंडली यूज़ OCI मिसलिनियस सर्विस। अगर आपके पास पहले से ही OCI कार्ड है तो आपको OCI मिसलिनियस सर्विसेज का यूज़ करना होगा। एंड द थर्ड, इफ़ यू हैव NPIO कार्ड होल्डर तो काइंडली रजिस्टर थ्रू OCI रजिस्ट्रेशन। सो इफ़ यू आर एन PIO कार्ड होल्डर तो काइंडली रजिस्टर थ्रू द OCI रजिस्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट दैट इफ़ यू आर एन PIO कार्ड होल्डर एंड द कार्ड इज लॉस्ट स्टेट तो काइंडली रजिस्टर थ्रू OCI रजिस्ट्रेशन। एंड टू रीप्रिंट योर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अप्लीकेशन काइंडली यूज अ रीप्रिंट सबमिट अप्लीकेशन सर्विसेज। एंड इन केस ऑफ अर्जेंट ट्रैवल अप्लीकेशन मे बी फॉर अप्रोप्रिएट वीज़ा। दोस्तों, प्री रिक्वेस्टर्स में बात करते हैं तो काइंड बी द रेडी फॉर द अप्लीकेंट्स इमेज एंड अप्लीकेशन सिग्नेचर, जिसमें मैक्सिमम साइज होगा 500 KB। हाइट एंड विड्थ अप्लीकेशन फोटो मस्ट बी इक्वल एंड मिनिमम डायमेंशन आर 200 pixels x 200 pixels विड्थ एंड हाइट। और जो मैक्सिमम डायमेंशन होगी 1500 x 150 pixels। जब बात करते हैं हम लोग हाइट एंड विड्थ ऑफ द सिग्नेचर फोटो मस्ट बी एक्सेप्ट रेशियो जो उसका है 1:3 है एंड मैक्सिमम डायमेंशन आर 200 pixels जिसके विड्थ और 67 pixel हाइट।
और मैक्सिमम डायमेंशंस आर 1500 पिक्सल विड्थ इनटू 500 पिक्सल हाइट। काइंडली रेडी द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट जिसमें कि मैक्सिमम साइज होगा वो 1000 KB होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी प्रिंटेड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल द एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद द रिलेवेंट इनक्लोजर्स एंड रिक्वेस्टेड फीस मे बी सबमिटेड द इंडियन मिशन या पोस्ट ऑफिस post/office इन हुज ज्यूडिशरी वेरिफिकेशन द एप्लीकेशन इज ऑर्डरली रिसीडिंग रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सेम इंडियन मिशन पोस्ट ऑफिस हैज़ इश्यू द ओरिजिनल इसके बाद डॉक्यूमेंट्स OCI डॉक्यूमेंट्स और नॉट। फिर आपको सिंपल प्रोसीड पे करना है और उसके बाद आपको सब चीज़ें चेक कर लेना है कि प्लीज़ फिल द फील्ड्स इन द ब्लॉक लेटर्स। अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कंसीडर्ड एज अ माइनर और इन केस ऑफ माइनर हु कैन नॉट साइन हिज हर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मे बी प्लेस इन द सिग्नेचर बॉक्स। पेरेंट्स शुड नॉट साइन द बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन, उसमें गाइडलाइंस है। एंड सिग्नेचर स्लैश थंब इम्प्रेशन शुड बी कन्फाइंड टू द प्रिस्क्राइब्ड बॉक्स में होना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर एप्लीकेंट पेरेंट्स शुड नॉट साइन इन द बॉक्स। नेक्स्ट, फोटोग्राफ टू बी अफेक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन शुड बी स्क्वायर शेप ऑफ साइज नॉट लेस देन 51x51 mm एंड इट शुड बी हैव प्लेन लाइट कलर बैकग्राउंड नॉट अ वाइट विदाउट द बॉर्डर with front view of person's head and the shoulder showing for the full face in middle of the photograph. It should not be stapled and not to have any signature. Next, photograph that do not conform to these standards will be rejected and may cause a delay in processing the application. Please see the standard of acceptable photograph as a photo link. नेक्स्ट स्टेप है, इफ़ देयर आर एनी ऑब्जेक्शंस वाइल प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन वी द सेम विल बी डिस्प्ले ऑन द ऑनलाइन स्टेटस इंक्वायरी। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड सेंड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट टू द इंडियन मिशन स्लैश ऑफिस वेयर यू हैव अप्लाइड क्वोटिंग द फाइल या एक्नॉलेज नंबर। आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कॉपी ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी रजिस्ट्रेशन करने सक्सेसफुल होने के बाद कॉपी ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी प्रिंटेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एज अ पार्ट ए एंड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द ऑल रिलेवेंट इनक्लोजर्स मे बी सबमिटेड टू द एप्रोप्रिएट ऑफिस। इनक्लोजर अटैचमेंट ऑफ द एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वैलिड पासपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट एंड वैलिड PIO कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट। इन फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एज अ OCI कार्ड होल्डर तो हमें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटैच करने होंगे। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट सिटीजनशिप इन केस ऑफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड इन इंडिया। कॉपी ऑफ एनी टाइप ऑफ वीज़ा विद 3 months वैलिडिटी एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एविडेंस ऑफ सेल्फ या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। These documents, copy of the Indian passport, copy of the domicile certificate, copy of the nativity certificate, OCI card, PIO cards of parents, spouse along the with the documents of which OCI/PIO card was issued and after other proof sustaining the request. Evidence of relationship as a parents and grandparents, grandparents if they are Indian origin as a claim on the basis. In case of minor child, whose both parents are citizens of India or one of the parents is of a citizens of India, copy of child's birth certificate and copy of Indian passport of the parents. And if the parents are divorced, court under the court order of the dissolutions of marriage which specifically mentions that the legal custody of the child is with the parents who is applying for the OCI card. And next, evidence as a spouse of foreign origin as a citizens of India and the origin of the OCI card holders. These are the documents and the forms when completed should be submitted in original along with photograph, signature and requested documents. So this is the official website. Reprint of the application visit https://ociservices.gov.in and for status inquiry for application https://ociservices.gov.in. Applicant applying for the OCI card, please note that it is the mandatory upload the applicant image and applicant signature image during OCI registration. Second, both the images must be
मस्ट बी इन जे पी जी फॉर्मेट विद मैक्सिमम साइज 500 के पी एंड द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द एप्लीकेंट फोटो मस्ट बी इक्वल एंड द मिनिमम डायमेंशंस आर 200 पिक्सल्स एंड मैक्सिमम डायमेंशन आर 1500 पिक्सल एंड द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द सिग्नेचर फोटो मस्ट बी हैव द एस्पेक्ट रेशियो 1:3। फिर आपको क्या करना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड फिर एक्सेप्ट पर टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आएगा आपका कैप्चा कोड भरना, फिर आप कैप्चा कोड फिल कर देंगे, जो भी आपका स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिखाई देगा आपको वो कैप्चा कोड जो है वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपको आएगा फ्रेश एप्लीकेशन एंड कंप्लीट पार्शली फिल्ड एप्लीकेशन, तो आपको सिंपल फ्रेश एप्लीकेशन पे टिक कर लेना होगा और फिर आपको ये यहाँ पर आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।